भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों को लेकर के नागरिकों में जो परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सुमित पाटिल ने महानगर पालिका को एक खत लिखकर के अवगत कराया है कि कुत्तों पर अंकुश बरता जाए, क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका में सिर्फ इसकी व्यवस्था नहीं है। अगर हम थाने महानगर पालिका देखें, मुंबई महानगर पालिका देखें, कल्याण महानगर पालिका देखें, उल्लासनगर महापालिका देखें, तो सारे महानगर पालिकाओं में या मीरा भाईंदर जैसे महानगर पालिकाओं में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि कुत्तों पर अंकुश लगाया जाता है। उनके लिए नजबंदी या एक पथक वहाँ पर वो किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है पथक की, ताकि वो आवारा कुत्तों को लेकर के जंगलों में छोड़ें और आवारा और जो कुत्ते हैं उनके नजबंदी करके उनके बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। इस विषय को लेकर के उन्होंने महानगर पालिका को खत देकर के अवगत कराया है और महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सुमित पाटिल ने शहरियों ने जिस तरीके से उनको आगाह किया, जिस तरीके से जानकारी दी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आवारा कुत्तों को लेकर के शहरी दहशत में है, इसकी व्यवस्था महानगर पालिका जल्द से जल्द करेगी, ये हमारी मांग है। देखिए, मैंने कॉर्पोरेशन के आयुक्त को कल मिलके एक प्रशासन को एक पत्र दिया है कि जो भटके कुत्ते हैं जिन्होंने करीबन 14 लोगों को भिवंडी शहर में जो बच्चे हैं उनको काटा है, कुछ कुत्तों को रेबीज भी हुआ है। कई साल में 6 महीने पहले एक रेबीज से एक बच्चा भी गुजर गया। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने किधर ना किधर ये दखल लेनी चाहिए। क्या ये आवारा कुत्ते इनका बंदोबस्त कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है? इसके लिए मैं उनको पत्र देके सतर्क किया हूँ कि ऐसी घटनाएं बार बार भिवंडी शहर में न हो, इसके लिए मैं उनको एक आह्वान किया है। अभी देखते हैं कॉर्पोरेशन क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है। जिस तरीके से कुत्तों का आतंक, खास करके स्कूली बच्चों, जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जिस तरीके से आतंक फैला हुआ है, उसको लेकर के बच्चों में कितना दर्शक है और कितना सही दर्शक है? कैसा है, देखिए मेरे वार्ड में 2 स्कूल है, कॉलेज है, तो वो लोग भी मेरे पास आए थे, पेरेंट्स लोग भी मेरे पास आए थे। जैसे न्यूज में जो घटना घटी लोगों ने देखा है, जैसे जिस तरीके से कुत्ते ने काटा है लोगों को, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे पास आए, स्टूडेंट भी आए कि सर इसमें कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब कैंपस से बाहर निकलते तभी गेट पे न कॉलेज के किधर न किधर स्कूल के आजू बाजू में ऐसे कुत्ते बहुत सारे ये करते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है कि इनका जल्द से जल्द बंदोबस्त करें। पहले जो कॉर्पोरेशन एक दिया करती थी और फिर अभी अचानक वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, क्योंकि नजबंदी भी करती थी, कुत्तों को पकड़ करके जो आवारा कुत्ते हैं उनको जाकर जंगल में छोड़ती थी, आखिर क्यों बंद किया? नहीं, अभी देखिए कॉर्पोरेशन के पास ये व्यवस्था होना चाहिए, ये क्यों नहीं है इसके लिए मैंने जवाब मांगा। इससे पहले तो ये सब चीजें होती थी, कॉर्पोरेशन के पास गाड़ी थी, बकायदा लोग थे, कुत्ते पकड़ने वाले आदमी लोग थे। अभी ये किधर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये थाना कॉर्पोरेशन में हम लोग देख रहे हैं, मुंबई कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं, बाजू के कल्याण कॉर्पोरेशन में ये सुविधा है कि सोसाइटी के लोगों ने जैसे ही पत्र दिया वहां से कॉर्पोरेशन से तुरंत एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा ही नहीं दिख रही। इसके लिए मुझे किधर ना किधर प्रशासन का भी थोड़ा सा खंत यहाँ पे मेरे को व्यक्त करने का कोशिश किया है। ठीक है।